Second part that I want to talk about is right now when so much is happening at this point in time, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ आपके आसपास, तो एनर्जी वाइज आप अपने आप को कैसे सस्टेन करोगे, एनर्जी वाइज आप अपना ख्याल कैसे रखोगे, एनर्जी वाइज आप अपना अपने आप को क्लिंस कैसे करोगे, आप अपने आप को अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, आप अपने आप को एनर्जी है उसको बैलेंस रखो, तो वो आप कैसे करोगे, तो एनर्जी वाइज ही आपको हेल्प करेगी। तो जब आप रात को अगर आपको अदरवाइज समय नहीं मिल रहा है ना मेडिटेशंस करने के लिए ना सेल्फ केयर के लिए, और ऐसा होता है जब आपके घर में कोई बीमार पड़ा हो, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम में हो, फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हॉस्पिटल में है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको समय नहीं मिलता है जहाँ पर आप सेल्फ केयर सेल्फ लव मेडिटेशन ये सब कर पाओ, भाग दौड़ बहुत कुछ होता है राइट। उसी ड्यूरेशन में आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख सको, अपने आप को बैलेंस रख सको, प्लस अपने आप को री एनर्जाइज और क्लियर भी करते रहो। तो मैं आई एम गोइंग टू शेयर वन मेडिटेशन विद यू विच आई डू एंड विच इज़ हेल्पफुल। तो आपने क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, रात को सोते वक्त आप कर लो, ट्रैवल करते वक्त आप कर लो, मूव जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या जब नहा रहे हो तब कर लो, मतलब यू जस्ट यू विल नॉट नीड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। ठीक है, करना क्या है, आंखें बंद करके आपने एनर्जीज को कॉल करना है। इट इज़ लिटिल बियॉन्ड थैंक यू एक्सरसाइज ड्रीम, तो आपने थैंक यू एक्सरसाइज तो समथिंग जो आपको बैलेंस रखेगी, अगर आप करो तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये आप कर सकते हो। 5 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए, कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, कुछ लोग कम टाइम भी लेंगे, डिपेंडेंट अप आपकी बॉडी की हालत कैसी है वो उस पर डिपेंड करेगा। आपने देखना है एक वायलेट लाइट, एक गोल्डन लाइट और एक वाइट लाइट, ठीक है, और इट इज इन द एनर्जी लाइक दिस, वायलेट गोल्डन वाइट, ठीक है। सो आपने सबसे पहले देखना है, और सबसे पहले आप एनर्जीज को कॉल इन कर लीजिए, डिवाइन को, भगवान को, जिस पे भी आप मानते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी या प्लीज़ आइए और मेरी मदद कीजिए इन रोशनी इन लाइट्स का इस्तेमाल करने के लिए, मुझे खुद को क्लिंस एनर्जाइज एंड प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्लिंस एनर्जाइज एंड प्योरीफाई करने के लिए, क्लिंस एनर्जाइज एंड प्योरीफाई, क्लिंस एनर्जाइज एंड हीलिंग, जो भी जैसे भी आप बोलना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, चैंटिंग्स डू हेल्प। तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि एक बहुत सारी ब्यूटीफुल वायलेट लाइट जो है वो आसमान से आपकी तरफ आ रही है, और वो वायलेट लाइट जो है ना वो धीरे धीरे आपके यहाँ से क्राउन चक्रा से आपकी पूरी बॉडी में धीरे 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 जा रही है, एंड इट इज़ स्कैनिंग योर बॉडी एंड इट इज़ क्लियरिंग योर बॉडी। तो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में एनर्जी बॉडी में और फिजिकल बॉडी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को डिफ्यूज़ करती 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 नीचे हर एक ऑर्गन से आपने उसको पास करना है, और फुट के नीचे तक जाते हुए उसको देखना है कि वो अर्थ में चली गई सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज, और अर्थ से कहीं वो प्योरीफाई होकर लाइक ट्रीज दे हैव कम आउट इन अ गुड एनर्जी। ठीक है, वो वायलेट लाइट गई, जैसे ही आपकी वायलेट लाइट नीचे पास हो गई अर्थ में, आपने देखना है सूरज की रोशनी को, गोल्डन लाइट, वो गोल्डन लाइट आ रही है, और गोल्डन लाइट धीरे धीरे जो भी आपकी बॉडी से इतनी सारी चीज़ें जो हैं फ्लो आउट हो गई हैं, तो वो आपकी बॉडी को री एनर्जाइज कर रही है, जैसे धूप वॉर्म्थ सन की वॉर्म्थ फील करनी है, जैसे सूरज आपकी आपकी बॉडी को, जैसे पानी प्योरीफाई करता है, आपने वो वायलेट लाइट से वायलेट कलर के वाटर से प्योरीफाई कर लिया, फिर आपने गोल्डन देखा सूरज, जैसे सूरज वॉर्म्थ देता है आपको एनर्जी देता है, वैसे ही आपने सूरज की रोशनी की तरह उस वॉर्म्थ को देखना है, एक एक बॉडी पार्ट से जाते हुए आपकी बॉडी को री एनर्जाइज हील करते हुए, और लास्ट जैसे मून जो है वो इंट्यूशन बढ़ाता है, प्योरीफाई करता है, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करता है, अगर राइट एनर्जी में हो, उसी तरह आपने वो वाइट लाइट एंड में देखनी है जो सारी चीज़ों को प्योरीफाई करते हुए बैलेंस करते हुए हील करते हुए आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है। तो जो गोल्डन लाइट है वो सर से लेकर पैर तक फ्लो होगी, जो वाइट लाइट है वो भी सर से लेकर पैर तक फ्लो होगी, जो वायलेट है पहली वाली वो पैर से आगे जाएगी और क्लिंस करके बाहर निकलेगी अर्थ से। सो यू कैन टेक इट लाइक वाटर सन एंड मून, थ्री एनर्जीज,
और अर्थ आप ऑलरेडी हो, और जब सन लेते हैं तो फायर अपने आप आ जाती है, और सन मून वाटर तीनों एनर्जीज आकाश को रिप्रेजेंट करती हैं, तो पंच तत्व जो हैं वो पूरे हो गए और आप पंच तत्व के शरीर को, पंच तत्व को साथ में मिलाकर बैलेंस कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो और क्लिंज कर रहे हो, तो ये आपकी हेल्प करेगा इन सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे मूव करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी मेडिटेशन है, ज़्यादा कोई टंटा नहीं है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, ज़्यादा कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। और जैसे जैसे आप उन एनर्जीज को फ्लो करते जाओगे, धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा जहाँ पर वो अपने आप जो फ्लो है ना वो फास्टर हो जाएगा। फिर शुरू में एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन मुझे लगता है समय लगेगा, और समय देना है, मतलब जब जैसे जैसे अगर आपको लग रहा है कि वो एनर्जी यहीं पर है अभी, वायलेट लाइट, उसको समय लग रहा है तो समय दो, एक पानी के फ्लो की तरह सारी बॉडी में उसको जाते हुए देखो और समय दो फ्लो होने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस अपने आप फास्टर हो जाएगा जैसे जैसे आपकी बॉडी एनर्जी जो है वो क्लिंज होगी या क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आप कीजिए और फिर मुझे फ़र्क बताइएगा। प्लस घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड, क्योंकि इट इज़ मेंट टू हैपन लाइक दैट। ठीक है।